जो है वो बेसिकली क्या है, मल्टी डायमेंशनल अरे, और मल्टी डायमेंशनल अरे जिस तरह हमने पहले पढ़ी थी अरे, पहले जो अरे पढ़ी थी उसके मुकाबले में ये मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल क्या कह सकते हैं आप, वो ऐसे है कि बेसिकली अब आपकी डायमेंशन बढ़ गई हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह मैट्रिक्स पढ़ते थे। मैट्रिक्स होती थी 1x1, जिसमें ए जो है एक ही कॉलम होता था और मल्टीपल रोज होती थी। अब क्या हुआ, अब बेसिकली आपके पास 2D अरे आ गई जिसमें मल्टीपल रोज भी हैं और मल्टीपल कॉलम्स भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जी अच्छा कैसे, आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आप 1D अरे को कैसे डिक्लेयर करवाते थे और 2D अरे को अब आपने कैसे डिक्लेयर करवाना है, जो है सिंगल कॉलम और मल्टीपल रोज। अब हम पढ़े 2D अरे, उसमें कॉलम्स भी मल्टीपल होंगे, रोज भी मल्टीपल होंगी। ठीक है, और जब आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप याद करें जब आप मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो 1x1, 2x2, 3x2, तो ये जो सारी थी वो कुछ 2D मैट्रिक्स थी जिनकी रोज भी ज़्यादा थी और जिनके कॉलम्स भी ज़्यादा थे, और कुछ 1D मैट्रिक्स थी जिनकी या तो एक रो थी या एक कॉलम था, और मल्टीपल रोज थी या एक रो थी तो मल्टीपल कॉलम्स थे। इसी तरीके से हमने 1D देखी, अब हम 2D देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो देखना है हमने वो ये देखना है कि 2D को डिक्लेयर कैसे कराते हैं। 1D को डिक्लेयर कराने का तरीका क्या था, आप डेटा टाइप लिखते थे और उसका अरे का नाम लिखते थे और यहाँ पे उसका साइज लिख देते थे, तो एक 1D अरे बन जाती थी। जैसे कि अगर इंट एक्स खाली 3 लिखा होता तो इसका 3 साइज की एक अरे जिसके कॉलम जो है वो एक ही होगा लेकिन उसकी रोज 3 होंगी। पहले इंडेक्स की वैल्यू जो है वो पहली रो की वैल्यू समझ ले 0 होगी, दूसरे की 1 और तीसरे की 2। अब यहाँ पे ये है कि ये 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, पहली जो चीज़ है वो रो बता रही है और जो दूसरी चीज़ है वो कॉलम बता रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, हेयर एक्स इज़ अ 2-डायमेंशनल अरे, इट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 12 एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स कैसे, 3x4, 12 बनता है तो 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ दिस अरे एज अ टेबल विथ 3 रोज एंड ईच रो हैज 4 कॉलम एज शोन बिलो। ये ऐसी सी एक अरे बन जाएगी। तो वहां पे जब ये सिंगल थी इस तरीके से, तो यहाँ पे होता था 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स। लेकिन अब आप 2D अरे देखेंगे तो अब आप देखें कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1st कॉलम, 0 रो 2nd कॉलम, 0 रो 3rd कॉलम, और फिर रो 2 में 1 रो 0 कॉलम, 2 रो, और फिर जो है वो 1 कॉलम। यानी कि इस तरीके से आप देंगे एड्रेस अरे का। जब पहले एक इंडेक्स देते थे, अब 2 देंगे कि अच्छा जी पहली रो का 2रा कॉलम, दूसरी रो का 3रा कॉलम, वो इस तरीके से। बाकी 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको पता है कि अगर 4 है तो 0 1 2 3 होगा, अगर 5 है तो 0 1 2 4 होगा, वो ऐसे। ये आगे 3D डायमेंशनल अरे भी बना सकते हैं आप, कि आपने जो है वो मतलब 3 डायमेंशंस में बना ली, लेकिन वो अभी हमारा स्कोप नहीं है डिस्कशन का। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि अब ये डेक्लेरेशन के कुछ तरीके बताए हुए हैं 2D अरे को। ठीक है, कैसे, अब अबव मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, अ बेटर वे टू इनिशियलाइज। अब ये जो तरीका सबसे बेटर है, और ये वाला भी काम करेगा कि पहले 3 जो है वो आपकी जाएंगी बेसिकली पहली रो में, और इस तरीके से जो है ना वो सारा प्रोसेस होगा। अच्छा, ये पहली पहली रो में जाएंगी 3 और अगली अगली रो में जाएंगे। लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने के लिए क्या तरीका है कि आपने ये इस तरीके से किया, ये पहली रो के हो गए के एलिमेंट्स। यानी कि अगर मैं ऊपर जाके देखूँ तो ये देखें, अगर यहाँ पे यहाँ तक है वो 3 कॉलम है उसके, तो 2 4 5, और जो नीचे वाला होगा वो जो भी है वो इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो ये 2 रो 3 कॉलम है, ये 2 रो 3 कॉलम है, ये पहले कॉलम में आएगा दूसरे और तीसरे में, ये 2nd रो के पहले कॉलम दूसरे और तीसरे में, नीचे उसने शायद दिखाया भी हो, ऐसे आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से शो होगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, एग्जांपल देखें तो अब सब कुछ वही है, डिक्लेरेशन वैसे ही। आपने डेटा टाइप लिखा, अरे का नाम लिखा, अब 3 रोज 2 कॉलम है, तो ब्रैकेट में क्या किया,
ये जो पहली ब्रैकेट है ये बताएगी पहली रो को, ये दूसरी रो को और ये तीसरी रो को, ठीक है। और ये जो पहला एलिमेंट है इस ब्रैकेट के अंदर, ये पहले कॉलम को, ये दूसरे कॉलम को, ये जो है दूसरी रो में पहले कॉलम को और ये दूसरे कॉलम को, ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि अगर आपने इसको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स का मतलब इसको इस पे इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, इनको इनपुट देना है, इनको आउटपुट देना है, कुछ भी करना है, तो पहले जो था आपको याद हो कि वो हम एक सिंगल लूप से ये काम किया करते थे। अब ये क्योंकि 2D है तो एक लूप रोज के लिए चलेगा और एक लूप कॉलम के लिए चलेगा। जैसे कि आप ये देखें कि पहला एक लूप चलाया 3 साइज का, क्यों? क्योंकि रोज 3 है, 0 से स्टार्ट करके स्मॉलर देन 3 यानी कि 0 1 2 के लिए चलेगा। दूसरा लूप चलाया कॉलम के लिए, कॉलम कितने हैं? 2, तो इस वजह से ये 2 तक चलेगा। तो यानी कि पहली आई की वैल्यू 0 होगी, 0 के लिए ये वाला जब ये 0 हो जाएगी तो ये अंदर आएगा, ये लूप चलेगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे आउटपुट कराएगा आई भी 0 जे भी 0, तो आई 0 जे 0 पे जो वैल्यू पड़ी होगी यानी कि 2 जो पड़ी होगी वो प्रिंट करवाएगा। अगली बार आई 1 होगा और जे जो है वो जे सॉरी आई 0 होगा, 0 ही रहेगा, और ये जो है ना जे अगली बार इंक्रीमेंट होके 1 होगा, तो 0 1 पे जो पड़ी हुई है वो दिखाएगा। उसके बाद अब ये 0 हो गया, 1 हो गया, अभी अगली बार 2 होगा, 2 होने से पहले ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि जे स्मॉलर देन 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे आई 1 होगा, ये नीचे आएगा, पहले 1 0 के लिए चलेगा यानी कि 4 आएगा, फिर आगे 1 2 के लिए सॉरी 1 1 के लिए चलेगा तो ये यानी कि ये आएगा। तो यानी कि एक जो ऊपर वाला लूप है वो रो को सेट कर रहा है और नीचे वाला कॉलम कर रहा है। पहली बार अगर रो की वैल्यू 0 है तो ये उसके लिए 2 दफ़ा चलेगा क्योंकि हर रो में 2 कॉलम है, और उसके बाद अगली बार के लिए जब रो 1 हो जाएगी तो उसके लिए भी 2 दफ़ा चलेगा क्योंकि 2 कॉलम है। इस तरीके से वो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, और ये 2 दफ़ा चलेगा हमेशा क्योंकि 0 1 0 0 0 0 1, 1 0 1 1, उसके बाद 2 0 2 1। अच्छा जी, क्या मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि ये 2 लूप हैं, मतलब 2 लूप से मेरा मल्टी डायमेंशनल है, 2D है यानी कि रोज़ भी हैं कॉलम भी हैं, तो इसमें 1D अरे की तरह एक लूप नहीं चलेगा, यहाँ पे 2 लूप चलेंगे। पहली बात तो आपने ये वैल्यू दे दी, एक बड़ी ब्रैकेट डाली, उसके अंदर पहले 2 वैल्यूज़ दी, फिर उसके अंदर दूसरे बार 2 वैल्यूज़ दी, उसके अंदर फिर तीसरी 3 वैल्यूज़ दी, ठीक हो गया, और ये ओवरऑल ब्रैकेट बंद कर दी। अब उसके बाद जो पहला लूप है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रोज़ को देख रहा है, दूसरा कॉलम्स को देख रहा है। अब आप देखें कि आई इसको कहाँ तक चलाया गया, 3 तक, क्योंकि रो का साइज 3 है। दूसरे को कहाँ तक चलाया गया, 2 तक, क्योंकि 2 का कॉलम की साइज 2 है। तो 3 कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 के लिए, 2 कहाँ तक चलेगा, 0 1 के लिए। तो पहली बार आई 0 है यानी रो 0 पे काम हो रहा है, फिर दूसरे लूप में नीचे वाले कॉलम वाले लूप में आए तो वो 0 0 पे चला और उसने प्रिंट करवाया, तो यानी कि 0 0 प्रिंट हो गया जो कि वैल्यू 2 बनती है। उसके बाद अगली बार क्योंकि अभी ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो 1 हुआ, तो अब ये चलेगा 0 1 के लिए, तो कौन सा चीज़ शो होगी, -5, ठीक है। अब अगली बार चलेगा तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंडीशन ये है कि जे जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 क्योंकि 3 से छोटा है, नीचे आएगा, 1 0 के लिए चलेगा, 1 0 पे 4 प्रिंट करवा देगा, और उस तरीके से अगली बार चलेगा 1 1, ठीक है, तो 1 1 पे 0 प्रिंट करा देगा। अगली बार चलेगा तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 हो गया और ये जे स्मॉलर देन 2 होना चाहिए, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो अगली बार 2 0 के लिए चलेगा, 9 आ जाएगा, फिर 2 1 के लिए चलेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसका इनपुट भी ले सकते हैं जैसे हमने पिछली अरे का इनपुट लिया था। यहाँ तक कोई मसला तो बताएं।